हेलो एंड वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी लेयर्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम एक है लेकिन इसमें फ्लेवर्स चार हैं और इस आइसक्रीम में मैंने आर्टिफिशियल फूड कलर का यूज़ नहीं किया है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इन्ग्रीडियंट्स नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया व्हिपिंग क्रीम, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, वनीला एक्स्ट्रैक्ट, स्ट्रॉबेरीज, आम, चॉकलेट। अगर आप चाहें तो चॉकलेट की जगह कोको पाउडर का भी यूज़ इस रेसिपी में कर सकते हैं, चीनी और थोड़े से चॉकलेट चिप्स। तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नाइफ से काट कर हटा देंगे और स्ट्रॉबेरीज को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अब एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरीज, चीनी और स्टोव को बिल्कुल धीमी आंच पर ऑन कर लेंगे और अब हम इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक स्ट्रॉबेरीज गल नहीं जाती। और इसको आप स्पैचुला से इस तरह से प्रेस करते रहें ताकि इनका जूस रिलीज हो और ये पैन में चिपके ना। वैसे अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज को पीस कर डायरेक्ट आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रॉबेरीज को पीस कर डायरेक्ट यूज करते हैं आइसक्रीम में तो आइसक्रीम का जो कलर है वो बहुत ही हल्का गुलाबी आता है, बहुत अच्छा सा गुलाबी शेड नहीं आता है, तो आपको उसमें फिर आर्टिफिशियल फूड कलर डालना पड़ता है। लेकिन जब आप स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से पकाते हैं तो स्ट्रॉबेरीज का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और जब हम इसको आइसक्रीम में यूज करते हैं तो आइसक्रीम का शेड बहुत ही बढ़िया गुलाबी आता है। तो अब स्ट्रॉबेरीज अच्छे से पक चुकी हैं, आप स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो अब ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गुलाबी कलर आया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, आम को छील कर रफली काट कर तैयार कर लेंगे। अब इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए आम को मैंने पीस कर तैयार कर लिया, अब इसको साइड में रखेंगे और अब हम आइसक्रीम के लिए बेस तैयार करेंगे। तो एक बड़े बोल में मैं डालूंगी व्हिपिंग क्रीम। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे मीडियम स्पीड पर। अब इसमें डाल देंगे स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम स्पीड पर बीट करेंगे, या आपको इसको तब तक बीट करना है जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बनने लग जाते। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट पीक्स बन चुके हैं, तो अब आइसक्रीम का बेस जो है वो तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। तो अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें या फिर आप इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आइसक्रीम बेस अभी तैयार किया था। तो इस आइसक्रीम बेस को मुझे 4 लेयर्स में यूज़ करना है, तो मैं एक पार्ट इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से अब मिलाएंगे। मैंने इसको स्पैचुला से मिलाया है लेकिन आप यहाँ पर विस्क का यूज़ करिएगा तो ये जल्दी और आसानी से मिक्स हो जाएगी। चॉकलेट क्योंकि मेल्टेड है और आइसक्रीम का बेस जो है वो बिल्कुल ठंडा है तो चॉकलेट जो है इसमें जाके जम जाएगी, तो इसको आप खूब अच्छे से मिला लें और अगर आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम बेस और डाल सकते हैं। तो अब ये चॉकलेट आइसक्रीम का जो बेस है ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक बॉक्स में स्प्रेड कर दूंगी जिसमें मुझे आइसक्रीम को जमाना है। ये जो डिस्पोजेबल बॉक्स आते हैं वो है और इसको मैंने पहले से ही बटर पेपर से लाइन करके रखा हुआ है। तो चॉकलेट आइसक्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अगर आप कोको पाउडर इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट के बजाय तो यहाँ पर ये जो मेरी आइसक्रीम है ये जम गई है, लेकिन आपकी आइसक्रीम जमेगी नहीं, वो थोड़ी सी रनी रहेगी। तो आप उसको फ्रीजर में रखिएगा 2 घंटे के लिए और फिर उसमें आप दूसरी लेयर लगाइएगा। तो अब एक बड़े बोल में जो हमने आम पीस कर तैयार किया था वो डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे आइसक्रीम बेस और इसको मिक्स कर देंगे और अब हम चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर ये दूसरी लेयर लगा देंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना बने और इसका ढक्कन लगाकर हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 2 घंटे के लिए। और ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसको भी हम फ्रीजर में रख देंगे। अब एक बड़े बोल में स्ट्रॉबेरी का जो मिक्सचर तैयार किया था ये ट्रांसफर करेंगे और इसमें डालेंगे आइसक्रीम बेस और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पिंक कलर आया है। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम जो है वो सेट हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से सेट नहीं हुई है लेकिन बस ऐसी है कि इस पर जो हम अगली लेयर डालेंगे वो इसमें मिक्स नहीं होगी। तो अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे पार्चमेंट पेपर ताकि आइस क्रिस्टल ना बने और इसका ढक्कन लगा के इसको फिर से हम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे।
और ये जो बचा हुआ आइसक्रीम का बेस है इसमें हम थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्रीजर में रख देंगे। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की जो लेयर है ये सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम का जो मिक्सचर है बचा हुआ वो स्प्रेड कर देंगे और इसको इवन कर लेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे पार्चमेंट पेपर और ढक्कन ढककर हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे, या आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो 8 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर आ चुकी है। बटर पेपर हटा देंगे और आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी क्रीमी लग रही है ऊपर से। अब हम इसको गार्निश करेंगे चॉकलेट चिप्स के साथ। तो चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर रखकर आप थोड़ा सा प्रेस करें तो ये इसमें सेट हो जाएंगे और ये फिर इधर उधर मूव नहीं करेंगे। तो चॉकलेट चिप्स से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अब हम इसको इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे। तो साइड से थोड़ा सा इसको लूज कर लें आप और जो बटर पेपर है इससे इसको लिफ्ट करें और ये बहुत आसानी से बाहर निकल आएगी। और अब हम इसका बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर हटा देंगे और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आइसक्रीम बनी है हमारी और टेस्ट में तो ये लाजवाब है। और अब मैं आइसक्रीम को आपको काट कर दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है, इसके अंदर कितनी आसानी से नाइफ जा रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी बेहतरीन और लाजवाब आइसक्रीम बनी है और इसके कलर्स आप देखिए कितने खूबसूरत आए हैं। आइसक्रीम एक है लेकिन इसमें फ्लेवर्स 4 हैं, तो एक ही आइसक्रीम के पीस में आपको 4 फ्लेवर्स का टेस्ट आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्सअप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और अपने फ्रेंड्स में फैमिली में इस रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।